हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गन क्लॉक के बारे में। TCM, जिसको कि हम ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन भी कहते हैं, उसके हिसाब से हमारी बॉडी में एक ऑर्गन क्लॉक होती है। इसको हम और अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, बहुत सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से। जैसे हम टाइम देखने के लिए, समय देखने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह से नेचर ने हमारी बॉडी में एक क्लॉक सेट की है, एक घड़ी सेट की है। और जो ये 24 आवर्स हैं, इनको हर ऑर्गन के लिए दो दो घंटे का समय दिया है। मतलब कि उस 2 आवर्स के दौरान वो ऑर्गन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, राइट? आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि क्या है ये ऑर्गन क्लॉक। अब हम इसको शुरू करें डिस्कस करना कि कौन सा ऑर्गन किस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो हम इस क्लॉक को शुरू करेंगे सुबह 3 बजे से, 3 to 5 का टाइम। मैं जो भी आपको डिस्क्राइब करूँगी, बताऊँगी, साइड में उस ऑर्गन का नाम और उसका टाइम एक इमेज पे आता रहेगा, सो दैट आप उसको साथ साथ समझते चलें। तो 3 से 5 का जो हमारा टाइम होगा वो है लंग्स का। लंग्स, जिनको कि हम फेफड़े भी कहते हैं, तो लंग्स 3 से 5 के टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर हम उस टाइम जागे हुए हैं तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लंग्स की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है उस टाइम। वो रिप्लेनिश हो रहे होते हैं, मतलब अपने को दोबारा से ऊर्जा से भर जाते हैं वो। अगर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उस टाइम तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये 3 से 5 का टाइम कहा गया है लंग्स के लिए। एंड अगर हम उस समय कहीं खुली हवा में जाते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, तभी भी हमारे लंग्स के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। अब 5 से 7 का टाइम पे आते हैं। 5 से 7 का टाइम है लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको कि हम बड़ी आंत भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, हम सभी लोग जानते हैं कि जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो वहाँ जाकर स्टोर हो जाता है। एंड जब हम स्टूल पास करने जाते हैं तब वो सारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर चला जाता है, और जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के हैं वो भी उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। तो 5 से 7 का टाइम हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। ये टाइम एप्रोप्रिएट है कि हमें सुबह जाकर अपनी इंटेस्टाइन को क्लीन कर लेना चाहिए, मतलब हमें मोशन पास करने ज़रूर जाना चाहिए। अगर मैं आपसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, आज के ट्रेंड में क्या हो गया है कि हम लोग उठते ही बहुत देर से हैं, 10-11 बजे उठते हैं। तो जो टाइम था लार्ज इंटेस्टाइन के मैक्सिमम एक्टिव होने का, वो टाइम हमने सोते सोते बिता दिया। उससे क्या है, आज के टाइम में अगर आप देखें तो 99% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो टाइम लार्ज इंटेस्टाइन के एक्टिव होने का है उस टाइम हम जागे ही नहीं होते हैं। अगर हम उस दौरान 1 ग्लास ल्यूकवॉर्म वाटर पिएं और ज़रा सा टहलें तो डेफिनेटली हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हेल्दी रहेगी, मोशन क्लियर होंगे एंड हमें कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? 7 बजे से 9 बजे तक का टाइम मॉर्निंग में स्टमक का टाइम होता है। हमें उस टाइम, हमारा स्टमक उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो हमें अपने पूरे दिन का जो सबसे हैवीएस्ट मील होता है, कहा भी गया है कि हमें ब्रेकफास्ट एक किंग की तरह करना चाहिए। हमारा स्टमक बहुत एक्टिव होता है। दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक आर हैवीएस्ट मील, राइट? अब 9 बजे से 11 बजे का टाइम, हर ऑर्गन को 2-2 घंटे का समय मिला है। 9 बजे से 11 बजे तक का टाइम होता है हमारा स्प्लीन का या पेंक्रियास का, राइट? अब पेंक्रियास से हम समझे क्या कि पेंक्रियास एक एंजाइम सिक्रीट करता है, इंसुलिन, जो कि हमारे डाइजेशन को एक्टिवेट करता है। मतलब कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा डाइजेशन है वो बहुत सही तरीके से होता रहे, तो ये कुछ एंजाइम्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट? तो हम अगर जो हमने 7 से 9 के टाइम पे हैवी मील लिया है, ब्रेकफास्ट लिया है, तो जो ये 9 से 11 का टाइम है पेंक्रियास का, स्प्लीन का, तो उस समय ये बहुत एक्टिव होते हैं एंड मैक्सिमम एंजाइम्स जूसेस सिक्रीट हो रहे होते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए,
राइट, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, 11 से 1 का टाइम होता है हार्ट का। हमारा हार्ट उस समय मैक्सिमम एक्टिव होता है, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी में हार्ट उनको पंप करता है उस टाइम। एंड जो 1 बजे तक का टाइम है वो बिल्कुल बेस्ट टाइम है कि हमें उस टाइम तक लंच कर लेना चाहिए। एंड जो हमारा लंच है वो हल्का होना चाहिए हमारे ब्रेकफास्ट से, राइट। तो ये जो टाइम था 11 से 1 का, न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में पंप हो गए हैं एंड जो हमने अपना लंच भी खा लिया है 1 बजे तक। अब जो 1 बजे से 3 बजे तक का टाइम है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन का टाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करती है, एसिमिलेट करती है। 3 to 5 का टाइम है, शाम को 3 से 5 का टाइम है यूरिनरी ब्लैडर का। उस समय जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सब किडनी में पहुंच जाता है फिल्ट्रेशन के लिए, मतलब हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही होती है उस टाइम। एंड ये जो हमारा 3 से 5 का टाइम है ये बहुत बेस्ट टाइम है स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए और साथ में ब्रेन चैलेंजिंग वर्क करने के लिए, राइट। तो हमारा 3 से 5 का जो सिग्निफिकेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर का है और सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। 5 से 7 का टाइम होता है किडनी का, हमारी किडनी सबसे ज़्यादा एक्टिव होती हैं उस टाइम, और केमिकल का प्रॉपर बैलेंस उस समय हो रहा होता है क्योंकि किडनी का वर्क है केमिकल्स को बैलेंस करना हमारी बॉडी में। एक चीज़ और, इस समय हमारा बेस्ट टाइम है डिनर का। डिनर हमारा लंच से भी लाइट होना चाहिए, हमें 7 बजे तक डिनर कर लेना चाहिए और उसके बाद एडवाइजेबल है कि सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा खाना खाने के बाद वॉक भी ज़रूर करनी चाहिए। 7 से 9 का टाइम है इवनिंग में, 7 से 9 का टाइम है पेरिकार्डियम का। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कैपिलरीज और एक एक सेल तक पहुंच रहे होते हैं, हमारा पेरिकार्डियम उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। पेरिकार्डियम भी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे चाइनीज़ मेडिसिन में पेरिकार्डियम ऑर्गन का भी बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। अब 9 से 11 बजे का टाइम जो होता है वो होता है ट्रिपल वार्मर का। ट्रिपल वार्मर क्या होता है, आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि ट्रिपल वार्मर में हमारी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। अब जो लोग इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं समझते हैं तो मैं उनको यहाँ ये बताना चाहूँगी कि जितने भी हॉर्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में वो इन एंडोक्राइन ग्लैंड से ही सिक्रीट होते हैं। तो इस समय हमारी बॉडी में 9 से 11 के टाइम एक होमियोस्टेसिस का टाइम होता है, एंजाइम्स या जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी में रीप्लेनिश हो रहे होते हैं। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि हमें 11 बजे तक सो जाना चाहिए क्योंकि हमारे ये जो सिस्टम्स हैं जहाँ सारी चीज़ें दोबारा से एक्टिवेट हो रही होती हैं वहाँ हमें रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बॉडी के और सिस्टम जब रिलैक्स कर रहे होंगे तब जिस सिस्टम का टाइम है वो एक्टिवेट होने का तब वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो हमें 11 बजे तक या उससे पहले सो जाना चाहिए, तभी ये ट्रिपल वार्मर जो है अपना काम अच्छे से कर पाता है। 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम जो है वो है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी को रेस्टोर करता है, वो एनर्जी हमें चाहिए होती है नेक्स्ट डे सारा दिन काम करने के लिए। तो अगर हम उस समय जागे होंगे या और कामों में इंडल्ज होंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए फॉर नेक्स्ट डे। रात को 1 बजे से 3 बजे तक का टाइम है लिवर का। लिवर उस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है एंड हमें सभी को पता है कि लिवर हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर हम उस समय जागे होंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि सारी रात लोग जागे रहते हैं, तो हमारे जो लिवर का फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का उसमें बहुत ज़्यादा एक इंटरप्शन होगा एंड
लिवर एक काम और करता है, फ्रेश न्यू ब्लड भी बनाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक रुकावट आएगी। तो जो लोग सारी रात जागते हैं उनकी बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिक एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। बॉडी के साथ साथ सबसे पहले लिवर की फंक्शनिंग हैम्पर होती है और लिवर जो कि पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा था खुद ही टॉक्सिक हो जाता है, लिवर खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। एंड आज के टाइम में इसीलिए लिवर से रिलेटेड इश्यूज इतने ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब 1 से 3 तक का टाइम हमारा लिवर का हुआ, उसके बाद फिर वही 3 बजे से लेके 5 बजे तक हमारा टाइम होगा लंग का, जो कि मैंने आपसे जहाँ से इस साइकिल को शुरू किया था, ये क्लॉक हमने जहाँ से शुरू की थी। तो यहाँ हम ये सिग्निफिकेंस समझ गए। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लिवर का ये टाइम है या किसी ऑर्गन का जो एक पर्टिकुलर टाइम है वो उसी में वर्क करेगा, उसके अलावा काम नहीं करेगा। यहाँ ये सिग्निफिकेंस है हमारे चाइनीज़ मेडिसिन में कि अगर जो हम प्रैक्टिशनर जिसको यूज़ करते हैं, सपोज़ किसी को 3 से 5 बजे के टाइम कोई प्रॉब्लम आ रही है मॉर्निंग में, तो वहाँ क्योंकि हमारी ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से है कि वो लंग का टाइम है, तो हम सबसे पहले उसके लंग्स पे वर्क करते हैं, राइट। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल था समझाने के लिए। अब यहाँ ये नहीं कि किसी को कोई 3 से 5 बजे के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो ये सोचे कि मेरे लिवर मेरे लंग्स ख़राब हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रही थी। और भी बहुत सारे तरीके हैं डायग्नोसिस के, हम टाइम बेस्ड भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, राइट। और यहाँ पर एक इस चीज़ का भी हमें सिग्निफिकेंस समझना चाहिए कि जो हमारी डेली दिनचर्या है, डेली शेड्यूल है, हमें इस क्लॉक को ध्यान में रख के बनानी चाहिए कि हमें सुबह 9 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, दिन में 1 बजे तक लंच कर लेना चाहिए, एंड रात को 7 बजे तक हमें डिनर कर लेना चाहिए और 11 बजे तक हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी रिस्टोर करनी होती है एंड जो हमारी बॉडी में सारा दिन के टॉक्सिन्स थे उनको रिलीज़ करना होता है। बॉडी को एक रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए होता है ताकि वो नेक्स्ट डे काम करने के लिए फिर से अच्छे से एनर्जाइज हो जाए। अगर हम इस साइकिल को नहीं समझेंगे तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी वीक होनी शुरू हो जाती है और बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको कई बार ये बात कह चुकी थी कि हम ऑर्गन क्लॉक के बारे में बात करेंगे। आज मैंने जहाँ तक मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती थी सिंपल तरीके से वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप और लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें एंड अपने शेड्यूल्स को, अपनी डेली लाइफ को बेटर बनाएं, जिससे कि उनकी हेल्थ भी बेटर हो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।